अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम आपको ये ड्राइंग बनाना सिखाएंगे। बीच में एक पॉलीगॉन है और इस पॉलीगॉन के सेंटर से एक यहाँ पे रेडियस लगा हुआ है, जिसकी हमें आर्क गिवन रेडियस गिवन है 33। एक और रेडियस है जो कि ये रहा, इसका हमें सेंटर पॉइंट गिवन है यहाँ पे। इसी के बिल्कुल सिमेट्री एक और रेडियस है जो कि यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे इसका सेंटर हमें ये गिवन है। एक दो तीन, तीन रेडियस ये हो गए। चौथा रेडियस हमारा ये है जो कि सर्कल बनेगा पूरा हमारा यहाँ से, और पांचवा और आखिरी अब सर्कल जो हमारा होगा वो यहाँ पर होगा, लेकिन हमारा सर्कल एक ये होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड पे। सबसे पहले मैं पॉलीगॉन बनाऊंगा जो कि 15.59 की लेंथ का होगा। मैंने यहाँ से पॉलीगॉन लिया, शॉर्ट कमांड है POL फॉर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ साइड मेरी 6 है, 6 सिलेक्ट की क्योंकि मैं एच डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो नीचे से मैं एच को ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। एच सिलेक्ट की, इनिशियल पॉइंट लिया मैंने, मैंने इसकी लेंथ डिफाइन कर दी। enter। तो ये हमारे पास जो पॉलीगॉन बन गया है इसकी हर साइड की लेंथ 15.56 है। फिर इसी के सेंटर से हम एक और रेडियस बनाना है जो कि ये रेडियस है हमारा, रेडियस 33 वाला रेडियस है, ये वाला सर्कल बनाते हैं। अभी सर्कल की कमांड ली, शॉर्ट कमांड है सी फॉर सर्कल। रेडियस इसका सिलेक्ट किया मैंने, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैंने 33 लिख दिया, ये 33 का रेडियस बन चुका है यहाँ पे। फिर एक सेंटर पॉइंट, इस वाली आर्क का सेंटर पॉइंट यहाँ पे गिवन है जो कि इसके पॉलीगॉन के सेंटर पॉइंट से 4.94 ऊपर है और 16.52 इस तरफ है। तो मैं एक लाइन 4.94 के ऊपर लगाऊंगा और एक 16.52 की इसके बिल्कुल पैरेलल लगाऊंगा ताकि मुझे यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मालूम हो जाए। लाइन की कमांड ली, सेंटर पॉइंट लिया, पहले इसकी सेंटर डिफाइन करने के लिए मैंने एक लाइन लगा ली है। ये सिर्फ मेरी एक रेफरेंस लाइन के काम पे तौर पे काम करेगी। ठीक है, मैं लाइन को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता हूँ, लाइन पे क्लिक करूँगा, इसके बिल्कुल एज पे जाके रुक जाऊँगा, खुद ही मुझे ऑप्शन देगा लेंथन का। इससे क्या होता है, इसे क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो इससे हमारी लाइन की लेंथ बिल्कुल इसी की सीध में बड़ी हो जाती है। देखें आप, इसको ही बड़ा करना चाहता हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, इसकी एज पे जाऊँगा, लेंथन का ऑप्शन है, इससे मैं क्लिक करके अपनी लाइन को बड़ा कर दूँगा। एक लाइन थी हमारी 4 पॉइंट, ये यहाँ से नीचे वाली नीचे से ऊपर होगी 4.94, तो उसके लिए मैं ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करूँगा। ऑफसेट की शॉर्ट कमांड है, शॉर्ट की है ओ से ऑफसेट, डिस्टेंस लिखा मैंने 4.94, एंटर। सिलेक्ट किया सिर्फ इसको, इसने 4.94 की लाइन ऊपर बना दी और एक 4.94 की लाइन नीचे बना दी। फिर देखें ये लाइन आ रही है, इससे बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे 16.52 यहाँ पर होगा और बिल्कुल ही 16.52 यहाँ पर, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। ये इसका मतलब जो सेंटर पॉइंट यहाँ पर होगा वही सेंटर पॉइंट यहाँ पर होगा। अगर इससे ये वाला रेडियस बन रहा है तो जाहिर सी बात है इस वाले से ये वाला रेडियस बन रहा होगा। तो अब मैं 16.52 की लाइन है यहाँ भी गिराऊंगा और एक यहाँ भी गिराऊंगा। ऑफसेट की कमांड ली मैंने, 16.52 लिया मैंने, एंटर, लाइन सिलेक्ट की, एक लाइन यहाँ गिराई, एक लाइन यहाँ। अब 16 पॉइंट, ये हमें सेंटर पॉइंट ये मिल गया, सेंटर पॉइंट हमारा, और दूसरा सेंटर पॉइंट हमें ये मिल गया है। इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क लगेगी और इस सेंटर पॉइंट से
यहाँ पर एक आर्क लगेगी, देखते हैं कितनी की आर्क है। सेंटर पॉइंट है मालूम कर चुके हैं, अब यहाँ पे एक आर्क लगेगी 50.21 की आर्क लगानी है यहाँ पे एक। उसके लिए रेड सर्कल लिया, सी फॉर सर्कल, सेंटर पॉइंट लिया और 50.52 की एक सर्कल बना दिया। 15.21 है, इसको डिलीट किया, सर्कल लिया, यहाँ से 50.21 का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ से भी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं स्पेस दबा रहा हूँ ताकि मेरी प्रीवियस कमांड दोबारा रिपीट हो जाए। स्पेस दबाया, सेंटर पॉइंट लिया और 50.21 का मैंने सर्कल बना दिया। पेन की कमांड से अपने सर्कल, अपने पूरी शेप को अपने जिस तरह मुझे मुनासिब लगे वैसे मैं ला रहा हूँ अपने पास। फिर अगर इसमें गौर करें तो देखें जो ये वाला सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट जो होगा इस लाइन से एक लाइन आ रही है ये वाली, जो कि बिल्कुल इस लाइन से 35 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मैं यही करूँगा, एक लाइन लूँगा और उसको इस लाइन से 35 डिग्री का एंगल पे रख दूँगा इस तरफ। लाइन की कमांड ली मैंने, सेंटर पॉइंट लिया, इसके साथ एंगल बना रहा 90, तो 90 प्लस 35 125 होता है। यहाँ पे मैंने 120 टैब को दबाने से मैं एंगल पे शिफ्ट हो जाऊंगा। लाइन की कमांड ली मैंने, सेंटर पॉइंट लिया, अभी क्योंकि मैं लेंथ पे काम कर रहा हूँ लेंथ से मैं एंगल पे जाने के लिए टैब दबाऊंगा। जैसे मैंने टैब दबाया अब मैं एंगल पे आ गया, अब मैं सिर्फ मैं एंगल पुट करूँगा क्योंकि मैं 125 रखूँगा तो यहाँ पे, और इंटर दबा दूँगा तो ये 125 की लाइन लग गई। क्योंकि एक सर्कल नीचे है ये वाला, इसके सीट में एक सर्कल ऊपर भी ये वाला, तो इसके लिए भी हमें ये वाली लाइन दरकार होगी ऊपर भी। लाइन मैंने सिलेक्ट की, इसको ही मैं लेंथन करके ऊपर ले गया। ये मुझे एक हिंट मिल गई, इसी ना लाइन पे कहीं ना कहीं मेरा सेंटर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा छोटे वाले सर्कल का। अच्छा, ये सर्कल की लाइन हमने बना ली है। अब देखिए ये सर्कल जो है ये इस सर्कल को बाहर से कट कर रहा है ऐसे, तो इस वाले सर्कल का रेडियस जो कि 33 है इसमें हम लोग ऐड करेंगे इस वाले सर्कल का रेडियस, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा जिसकी मदद से हम लोग ये सर्कल बना सकते हैं। इसका रेडियस है 33 और इसका रेडियस है 14.04, तो सम करके रेडियस हो जाएगा 47.04। तो फिर सर्कल की कमांड ले रहा हूँ मैं, सेंटर पॉइंट से 47.04 का एक सर्कल बना दिया मैंने, जो कि मेरा सर्कल ये रहा। यहाँ से मुझे एक सेंटर पॉइंट मिल गया, ये सेंटर पॉइंट है मेरा। अब यहाँ से मैं सर्कल बनाऊँगा जिसका रेडियस होगा 28.04, उसका 08 उसका डायमीटर होगा, तो रेडियस होगा 14.04। सर्कल लिया, सेंटर पॉइंट में गया, रेडियस डिफाइन किया 14.04, इंटर। अब अगला मरहला आता है ट्रिम का, जो पोर्शन हमें चाहिए उसे हम रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसे हम ट्रिम करते रहेंगे।